34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस चमोली पुलिस मैदान गोपेश्वर में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों को प्रति जागरूक कर रही है। इसको लेकर पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं यातायात पुलिस चमोली द्वारा यातायात के संकेतों चिन्हों को दर्शाते हुए एक नमूना ट्रैक रूट बनाया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को बारी बारी से वाहन चलाते समय सड़क पर बने यातायात के चिन्ह संकेतों के बारे में पूछा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा अपने परिजनों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित और जागरूक करें। एसपी चमोली द्वारा छात्रों को भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज यहाँ पर स्टेट लेवल एग्जीबिशन खादी की आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 70 स्टॉल होंगे, जहाँ पूरे देश भर की आत्मनिर्भर भारत की झलक यहाँ दिखाई देगी। मैं उत्तराखंड के मेरे सभी साथियों को, देहरादून के साथियों को आह्वान करता हूँ कि वो यहाँ आएँ और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के इस स्वप्न को साकार करने की दिशा में लोकल उत्पाद खरीदें, क्योंकि स्थानीय लोग जब स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो स्थानीय कारीगरों को एक नया भरोसा मिलता है। साथियों, उत्तराखंड में खादी की करीब 40 संस्थाओं के माध्यम से करीब 11,000 लोगों को रोजगार देने का काम हमारा विभाग करता है।